दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हम बीजेपी से नहीं डरते, बीजेपी केजरीवाल से डरती है। जी हां, आपको चले कि आज सीबीआई के सामने पेशी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से नहीं डरते, बीजेपी केजरीवाल से डरती है, आपसे डरती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है, बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी, आप ही बीजेपी के अत्याचारों से देश को मुक्ति दिलाएगी, आम आदमी पार्टी देश को नंबर वन राष्ट्र बनाएगी। अब आइए सुनिए क्या कुछ कहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मुद्दे को लेकर। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते, ये डरते हमसे, हम इनसे नहीं डरते, ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते, हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर वन बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब जुमलेबाजी पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी।